हेलो दोस्तों, अपर निजी सचिव APS का जो स्किल टेस्ट होना है उसकी जो तारीख है वो आयोग ने दे दी है। अब हम जो इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, बहुत से बच्चे हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या मेरा इतने कम टाइम में सिलेक्शन हो सकता है, हम स्टेनो निकाल सकते हैं, टाइपिंग निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो जो आप लोगों का स्किल टेस्ट है उसकी जो तारीख दी हुई है 9 अप्रैल 2024 को आप लोगों का स्किल टेस्ट लगा है। 75 नंबर मिलने हैं आपको स्टेनो में और 25 नंबर मिलने हैं आपको टाइपिंग में, तो दोनों को मिला करके 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होना है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट करता है पेपर, जैसे मान लीजिए उसने स्टेनो अभी से सीखना स्टार्ट करेगा, तो पहले वो काका गागा पढ़ेगा, फिर व्यंजनों को जोड़ेगा, फिर सा का आंकड़ा, ता का आंकड़ा, फिर मतलब कि काफ़ी नियम है, तो उसको ख़त्म करने में कितना भी कम टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीना तो लग ही जाएगा, जब तब अच्छे से उसका समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या, ऑनलाइन में पढ़ के पूरे वीडियो दिखा दिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कोर्स है, लेकिन वहाँ पर बड़ा दिक्कत करेगा कि जो चीज़ जो लड़का 3 से 4 महीने में खाने वाली चीज़ है वो 1 महीने में खाना है, तो दिक्कत तो करेगा ही करेगा। इसलिए हम आपको इस बात से अवगत करा दें कि जो लड़का अभी से स्टेनो सीखेगा उसके चांस बहुत मुश्किल हैं, बल्कि 100 में 99% नहीं होगा, केवल 1% चांस है जो बहुत बुद्धिजीवी होगा उसी लड़के का हो सकता है। कोई लड़का साल भर से सीख रहा तो पहले उसको ही जो वरीयता है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसके पास अनुभव भी होता है। स्टेनो में क्या होता है, अनुभव का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग 1 साल में सीखते हैं, कुछ लोग 6 महीने में कह देते हैं सर हमने सीख लिया, तो ऐसा नहीं है। वहाँ 80 की डिक्टेशन बोली जानी है, 5 मिनट की डिक्टेशन है, 80 वर्ड पर मिनट है, और आपको उसको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद 25 मिनट टाइपिंग करनी है। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे स्टेनो में होता कि अगर मान लीजिए आपने कोर्स पढ़ भी लिया, जैसे मान लीजिए पूरी आपकी बुक ख़त्म है, जब वहाँ डिक्टेशन बोली जाएगी ना तो वहाँ बिल्कुल अनसीन होगी। जैसे मान लीजिए शब्द आएंगे, कोई छोटे छोटे शब्द तो आने में प्रौद्योगिकी आएगा, निशाचर आएगा, संसाधन, संशोधनों, संस्थान, संस्थानों, इस टाइप के शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के शब्द, क्रियान्वयन, कार्यान्वयन, थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के शब्द देखने को मिलते हैं। जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, और ये तब हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ मैटर कौन सा आएगा ये आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्टेनो सीखने के लिए जा रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने, तो उनसे हम कहेंगे कि मत सीखिए, क्योंकि कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, आखिरी में आप परेशान अलग से हो जाएंगे। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि 2 महीने में सीख जाएंगे, 3 महीने में सीख जाएंगे, बहुत से कह रहे हैं कि कुछ लोग तो इसको बिजनेस बना लेना कि हमारा इतना कोर्स खरीद लो हम इतने में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमने आपको सही से बता दिया है। और कोशिश करिए आप लोग जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कोई भी टीचर होता वो पढ़ाएगा आपको अच्छे से ही, और कोशिश करता कि हम उससे बेटर से बेटर दें। कहीं पर भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और विश्वास रखिए। और कोशिश हमारा एक सुझाव और है कि आप लोग थोड़ा सा ऑफलाइन थोड़ा सा ज़्यादा पकड़िए, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ उसमें आपकी बारीकियां देख ली जाएंगी, कौन सी गलतियां हैं, कहां पे सुधार करना है, उसको ज़्यादा फायदा रहेगा। ऑनलाइन उनके लिए ज़्यादा बेटर है, जो पहले से पढ़े हुए हैं वो अपना डिक्टेशन लें, स्पीड बढ़ाएं, वो आप लोगों को फ़ायदा करेगा। लेकिन कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा करेगा। बाकी स्टैंडर्ड से जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे।